बड़वानी रंजित क्लब को कलेक्टर ने जारी किया आदेश अधिग्रहण का। आपको बता दें कि बड़वानी में स्विमिंग पूल में अंजर निवासी अमजद मंसूरी के पालक की स्विमिंग पूल में डूबने से मौत हो गई थी। इसके बाद श्री अमजद मंसूरी के द्वारा क्लब के विरुद्ध लगातार दस्तावेज इकट्ठे किए जा रहे थे। दस्तावेज इकट्ठे करने के बाद सप्रमाण बड़वानी कलेक्टर श्री अमित तोमर जी के कार्यकाल में उन्होंने शिकायत की गई थी, जिसी को संज्ञान में लेते हुए अमजद मंसूरी निवासी ने शिकायत में यह बताया था कि मध्य प्रदेश शासन से 12 जुलाई 1976 से 13 जुलाई 2001 तक बंगला आउट हाउस कंपाउंड बॉल आदि 25 वर्ष के लिए लीज पर दिया गया था रंजित क्लब बड़वानी। वह एक कार्यकारिणी राजनीतिक और पेशेवर रसूखदार होने से लीज का उल्लंघन करते हुए अवैध निर्माण किया, जिससे संबंधित विभाग से कोई अनुमति नहीं ली गई। संस्था को लीज समाप्ति पर परिसर खाली कर शासन को वापस लौटाना था, किंतु अवमानना कर परिसर में मनमाना अवैध निर्माण कार्य किया। संस्था ने ऐतिहासिक धरोहर को तोड़कर डबल मंजिला कॉम्प्लेक्स बनाकर करोड़ों में बेच दिया। क्लब में स्विमिंग पूल अवैध रूप से निर्माण किया। क्लब द्वारा फुल फैसिलिटी के साथ बाहरी लोगों को समूह को जुआ खिलवाया गया। जुआ ब्रिज गेम के आड़ में खिलाया जा रहा था, जो संस्था के आय वे रजिस्टर से साबित होता है। कार्यकारिणी के खिलाफ अवैध निर्माण, अवैध लीज उल्लंघन, लीज का व्यवसायीकरण करना, अवैध स्विमिंग पूल बनाना, कॉम्प्लेक्स का अवैध निर्माण करना, निरस्त लीज के बाद भी कार्य गतिविधियां जारी रखना क्लब के विरुद्ध सख्त कार्रवाई हेतु पेश किया गया था। शिकायतकर्ता द्वारा पुनः दिनांक 12/11/2020 को आवेदन पेश किया गया, जिसमें रंजित क्लब द्वारा आशाग्राम रोड पर स्थित ऐतिहासिक बाउंड्री वॉल बिना अनुमति से तोड़कर 27 दुकानें व्यावसायिक प्रलोभन हेतु निर्माण करते हुए करोड़ों में बेच दी गई। वो ऐतिहासिक टेनिस कोर्ट को तोड़कर अवैध स्विमिंग पूल का निर्माण किया गया। इस प्रकार क्लब के द्वारा वर्ष 2001 से 2020 तक संपूर्ण आय शासन के खजाने में जमाई कराए जाने के लिए निवेदन किया गया था। शिकायत के साथ दुकानों के अनुबंध पत्र का इकरारनामा प्रति पेश किया गया। उपरोक्त 24 दुकानों की रॉयल्टी के रूप में राशि रुपये अक्षरी 1,49,01,000 तथा मासिक किराया वसूल कर दिनांक को मानते दिसंबर 2020 के अंत तक कुल राशि अक्षरी 9,91,700 रुपये मात्र। इस प्रकार से कुल दुकानदारों से वसूल किया शासन के साथ धोखा दिया जा रहा है। रंजित क्लब बड़वानी के द्वारा बिना अनुमति से निर्मित भवन दुकान आवास इस प्रकार है। भोजनालय 75 वर्ग मीटर में दुकानें 16 भवन 343/80 वर्ग मीटर, बैडमिंटन हॉल 239.70 वर्ग मीटर, आवास गृह 6 भवन 320 वर्ग मीटर, स्विमिंग पूल 1156 वर्ग मीटर, टेनिस कोर्ट 2,136 वर्ग मीटर और अवैध कॉम्प्लेक्स। आगामी कलेक्टर श्री शिवराज सिंह वर्मा ने यह आदेश जारी किया है कि रंजित क्लब बड़वानी की समस्त परिसंपत्तियों के संबंध में आगामी एवं आदेश तक निम्न अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जावे। रंजित क्लब बड़वानी की समस्त परिसंपत्तियों का कब्जा शासन के पक्ष में कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग बड़वानी एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बड़वानी एवं तहसीलदार बड़वानी के साथ 2 दिवसों में कब्जा प्राप्त करे। अध्यक्ष रंजित क्लब बड़वानी को निर्देशित किया गया कि वर्ष 2001 के पश्चात परिसंपत्तियों दुकान आदि से प्राप्त आय शासन के कोष में जमाई कराई जाए। रंजित क्लब के द्वारा किराए पर दी गई दुकानों का मासिक किराया आगामी माह तक किराएदार सीधे शासन के पक्ष में जमा करवाए। रंजित क्लब बड़वानी से अधिपत्य से की गई परिसंपत्तियों की देखरेख हेतु पृथक से समितियों का गठन किया जाएगा। अध्यक्ष रंजित क्लब बड़वानी द्वारा रंजित क्लब की लीज हेतु मध्य प्रदेश नजूल निर्वर्धन निदेश 2020 के तहत विधिवत आवेदन पत्र प्रस्तुत करने नियमानुसार पृथक से कार्रवाई की जाए। उक्त आदेश बड़वानी कलेक्टर के द्वारा पारित किया गया है।